मातरम, मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं नालंदा और पटना के बॉर्डर पे। इस बॉर्डर पे आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि आपको सेकेंड हैंड गाड़ियां, आपको सस्ती गाड़ियां आप तक कैसे पहुंचाई जाए। तो आज हम पहुंच गए हैं नगरनौसा। अगर आप इन जिलों के आसपास रहते हैं जिसमें कि गया हो गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, तो आप और पटना, इसके आसपास के जिला वाले भी लोग संपर्क कर सकते हैं। ये जो है विकास जी का ये गोडाउन है या शोरूम कहा जाए, जहाँ की सारी गाड़ियों को बेचते हैं। क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या रेट है, आपसे क्यों लिया जाए? तो विकास जी नमस्कार। नमस्कार। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलती हैं और आपसे क्यों लें? मेरे पास ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट के रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर डाला बनाकर न्यू अपना उसे असेंबल करके बेचता हूँ मार्केट में। मेरे ही लेने का पर्पस एक ही है कि मार्केट से कम दाम में और चीप कंडीशन, बेस्ट कंडीशन में। और एक खासियत आओ है मेरे ही लेने का, जो डॉक्यूमेंट जो भी पेपर होता है गाड़ी का, जो भी कंप्लीट करके हम ऑलरेडी देते हैं, इसलिए कस्टमर का पूरा भरोसा होता है और लेने का उम्मीद, इसलिए आते हैं, पहुंचते हैं मेरे पास। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपसे गाड़ी लिया जाए तो उस कस्टमर को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? जी, नहीं आने वाली है, सब ऑलरेडी हम कंप्लीट करके देता हूँ। कंप्लीट करके देते हैं ऑन रोड? ऑन रोड, ऑन रोड। अच्छा, ये जो है आपका, कितने टाइम से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ऐसे मेरा बिजनेस 2012 से है। 2012 से? हाँ, 2012 से। अच्छा, तो इसको पहले कौन चलाता था? पिताजी, अभी भी पिताजी हैं, मगर हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व सहयोग करते हैं पिताजी को। अच्छा, हाँ। ये इनका पेरेंटल बिजनेस है और पिछले 10-11 सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं सही जगह तक पहुँचा पाया हूँ, सही गाड़ियों तक पहुँचा पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि रेट भी ठीक होगा, डॉक्यूमेंट भी ठीक मिलेगा यहाँ पे। और आगे देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और क्या क्या उनका रेट है। तो चलिए, दिखाइए आपके पास विकास जी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, उनका रेट भी थोड़ा सा बता दीजिए। आइए मेरे साथ। अभी हम पहुँच गए हैं ट्रैक्टर के पास। यह है महिंद्रा युवा 265 DI। ये गाड़ी के बारे में बताइए, क्या रेट है, कब की है और इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट कम्प्लीट हैं और क्या क्या आप इसमें करा के देने वाले हैं? ये 2065 महिंद्रा युवो DI है जी। इसका मॉडल 2020 का है। हाँ, 2020 का। हाँ, 2020 का। तो अभी 21 चल रहा है? हाँ, 21 चल रहा है। तो मतलब एक साल पुरानी गाड़ी है ये? एक साल पुरानी गाड़ी है। अच्छा, ठीक। इसका रेट हम प्राइस रखे हुए हैं 3.5 लाख रुपया। 3.5? हाँ, डॉक्यूमेंट कम्प्लीट कर और इंश्योरेंस ऑन रोड कर कम्प्लीट 3.5 लाख रुपया। 2020 की गाड़ी है। 2020 की गाड़ी 3.5 लाख। अगर इसको किसी शोरूम से खरीदते हैं तो इसका क्या रेट होगा लगभग? शोरूम से खरीदते हैं तो 6.5 लाख रुपया पड़ती है। आप 3.5 लाख में दे रहे हैं? हाँ, 3.5 लाख में दे रहे हैं, मात्र एक साल की चली हुई गाड़ी। अच्छा, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर एक साल पुरानी गाड़ी है ये, 6.5 लाख की गाड़ी अगर आप किसी शोरूम से लेते हैं, इनके पास है 3.5 लाख, यानी कि 3 लाख रुपये का आप बचत कर सकते हैं इनके पास से अगर गाड़ी खरीदते हैं तो। और बताइए कुछ और भी बहुत, मतलब ये तो महिंद्रा की गाड़ी हो गई। अब देखते हैं स्वराज, महिंद्रा का युवा 415। ये महिंद्रा का युवा 415 है, इसका क्या रेट है? 18 का मॉडल है, 2018 का मॉडल। इसका पड़ेगा 3.5 लाख रुपया। इसका भी है रेट? इसका भी रेट लगभग 3.5 लाख रुपया है। ठीक। ऑन रोड कर, ऑन रोड करके मतलब सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप सब कुछ कंप्लीट करके इस गाड़ी को देंगे? पावर स्टीयरिंग गाड़ी पावरफुल है। अच्छा, डबल क्लच में गाड़ी है। अच्छा, तो ये जो गाड़ियाँ हैं आपने किसी से खरीदा हुआ है या कैसे आपके पास इतनी गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं? मेरे पास हम है और जो भी गाड़ी मेरे पास लगी हुई है, जो फाइनेंसर का ऑक्शन का गाड़ी है वो नीलामी में, ऑक्शन में हम खरीदते हैं, उसके बाद हम अपना लॉक कर यानी कंप्लीट कर डॉक्यूमेंट गाड़ी कंप्लीट कर सर्विसिंग करके यानी कस्टमर के थ्रू बेचते हैं। अच्छा, मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी गाड़ी आपको दिखाई दे रही हैं ये किसी गाड़ी ओनर की गाड़ी नहीं है, ये ऑक्शन में आई हुई गाड़ियाँ हैं और ऑक्शन से जो निकलती गाड़ियाँ उसको ये यहाँ पे सेल करते हैं। अब तो हो गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में देखिए, ट्रैक्टर में कौन सा है? महिंद्रा युवा 265 DI, 415 DI। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सी गाड़ी है। तो आगे है इनके पास स्वराज, स्वराज का जो है 735 XT। अच्छा, 735 XT स्वराज का, इसका क्या रेट होगा? इसका
इसका अभी 3.5 लाख का है, मॉडल है 2016 का, 2016 का मॉडल है। हाँ। और इसका रेट भी लगभग 3.5 लाख रुपया है। तो आपकी गाड़ियाँ जो पीछे भी है, कौन सा है? फार्म ट्रैक है, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? फार्म ट्रैक है, न्यू होलैंड है, सोनालिका में है। अच्छा। फिर स्वराज हो गया, महिंद्रा का इवो हो गया, सरपंच मॉडल में भी है, ट्रैक्टर में मिला जुला के भी 10 को 12 को गाड़ी है। और इसके अलावा और भी गाड़ियाँ आपके पास? अब यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ स्कूल के वैन वगैरह हैं, तो इनसे पता करते हैं ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, इनका क्या रेंज है। ये ऑटो खड़ी है, ऑटो का क्या रेट है? ऑटो 2020 की गाड़ी है। इसकी कीमत मात्र 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपये ऑन रोड कर कर, ऑन रोड करके। तो ये सारी गाड़ियाँ खींची हुई है क्या? ऑटो भी खींची हुई आई है आपके पास? टोटल जो भी है मेरे पास है, जो फाइनेंसर का ऑक्शन कर लिया हुआ गाड़ी है। अच्छा, इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, इसका क्या रेट है? जीतो है, महिंद्रा का जीतो है। ईवी 19 मॉडल की है, ठीक है, 19 की है, सुप्रो महिंद्रा का। इसका क्या रेट है सुप्रो का? सुप्रो का रेट पड़ जाएगा सर जी 2.5 लाख रुपये मेरे पास है। 2.5 लाख रुपया, कागज सारे कंप्लीट करा के, रोड कर कर, ऑन रोड कर कर। 19 लास्ट की है गाड़ी, दिसंबर की। 19 दिसंबर की है गाड़ी है ये, है जीतो है। अच्छा। जीतो 19 की लास्ट की गाड़ी है। इसका मात्र गाड़ी का दाम है 1,10,000 रुपया। 1 लाख, मतलब ये नए गाड़ी का रेट 1,10,000 बता रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मोटरसाइकिल का रेट ये है, जो ये रेट गाड़ियों का बता रहे हैं, लगभग एक ठीक ठाक मोटरसाइकिल का रेट है जो जो इनका रेट है। सेकेंड हैंड ऑटो, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर, महिंद्रा युवा 265 DI, महिंद्रा युवा 415 DI, स्वराज 735 XT, फार्म ट्रैक, सोनालिका, और इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे फिर ऑटो, आगे है कई गाड़ियां जिसमें कि सफारी है, फोर्स मोटर्स की गाड़ियां हैं। हमने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया है, माँ लक्ष्मी मोटर्स एंड नगर नौसा टूरिस्ट कंपनी। दूसरा हमने बताया V2 मोटर्स एंड एग्रो इंटरप्राइजेस। तो लगभग मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है, दिखा दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो आ रही है पसंद तो कीजिएगा लाइक, शेयर करिए जरूर, जिनको गाड़ियों की ज़रूरत है या जिनको आप गाड़ी दिलवाना चाहते हैं तो उनको शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को हौसला बढ़ाइए मेरा। और चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।